हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द के मैप इज़ अ मेथड टू सिंप्लीफाई बुलियन एल्जेब्रा एक्सप्रेशन। मतलब के मैप के थ्रू हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो दो यदि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, और उसके लिए हमको यदि के मैप बनाना है तो यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हमको बनाना है, द टू टू द पावर एन, मतलब वेयर एन क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा। कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं, मतलब कि हमको टू टू द पावर टू फोर सेल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, लिख लिया। ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो वो ज़ीरो होगी या वन होगी। ठीक है, वैसे ही बी क्या होगा, ज़ीरो होगा या वन होगा। अब हम देखेंगे इस सेल के लिए इनपुट क्या होगा। तो इनपुट क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो वन इस सेल के लिए होगा, वन ज़ीरो एंड वन वन। ठीक है, फिर हमको यदि तीन वेरिएबल हमारे पास है ए बी सी, और उसके लिए के मैप बनाना है, तो यहाँ पे टू टू द पावर थ्री मतलब एट सेल की ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए के ए ए क्या है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए ए की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी या वन होगी। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं इसलिए पॉसिबिलिटी उसकी कितनी बनेगी, ज़ीरो ज़ीरो होगा, ज़ीरो वन होगा, वन वन होगा या वन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, वन ज़ीरो क्या है, यहाँ पहले है और यहाँ पे वन वन बाद में है। तो इसीलिए, क्योंकि ये ग्रे क्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिखते हैं हम। ठीक है, अब इस सेल के लिए इनपुट क्या हो सकता है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो। इसके लिए इस सेल के लिए इनपुट क्या होगा, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो वन, वन 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 एंड वन वन ज़ीरो। ठीक है, इसको डेसिमल में भी हम लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ज़ीरो की वैल्यू, तो मतलब ज़ीरो। फिर ये किसकी वैल्यू है, वन की। ठीक है, ये थ्री की, ये टू की, इस तरह से ये फोर फाइव सेवन सिक्स की वैल्यू है, तो इसको डेसिमल में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यदि हमें फोर वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाना है, तो यहाँ पे टू टू द पावर फोर मतलब सिक्सटीन सेल बनाएंगे, और ये डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो दो वेरिएबल हैं। ठीक है, चार वेरिएबल टोटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी भी इस टाइप से होगी। अब हम देखते हैं कि हम जब भी हम क्या करेंगे, के मैप को सॉल्व करेंगे, तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्रुपिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, मतलब पावर में हम कर सकते हैं, मतलब हम या तो दो दो सेल बना सकते हैं, या फिर चार सेल बना सकते हैं, एट सेल बना सकते हैं, सिक्सटीन, मतलब टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, टू टू द पावर थ्री, टू टू द पावर फोर, इस टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स हैं कुछ ग्रुपिंग बनाने के लिए, तो वो देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये होता है कि आप या तो वन वन का ही पेयर बना सकते हो, या फिर ज़ीरो ज़ीरो का बना सकते हो। अब ज़ीरो वन का नहीं पेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रुप में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। आप डायगोनली क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग नहीं कर सकते, या तो वर्टिकल कर सकते हो या हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि जो आपका ये जो वो रहता है, फोल्डेड फॉर्म में रहता है के मैप। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो जो है एडजेसेंट पेयर बना सकता है। मतलब यदि आपका लेफ्ट में है, ठीक है, यदि आपका लेफ्ट में है तो ये जो है इसके साथ ग्रुपिंग कर सकता है। और यदि इस ऊपर नीचे में ये फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ऊपर यदि है वन वन और इधर, तो ये आपस में पेयर बना सकते हैं। यदि लेफ्ट राइट में है तो ये आपस में पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि यदि आप लॉजिक जो एक्सप्रेशन होता है आपका, ठीक है, उसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये दो टाइप से क्या हो सकता है, दो टाइप से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, या तो एस ओ पी फॉर्म में होगा या पी ओ एस फॉर्म में होगा। ठीक है, एस ओ पी मतलब कि क्या होगा, इस टाइप से है, यदि क्या होगा, इनमें क्या है, यदि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इनमें क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल है, और उनका हमने क्या कर रखा है, सम करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल है जिनका सम हुआ है। ठीक है, तो ये एस ओ पी फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सम ऑफ वेरिएबल्स हैं।
ठीक है, उनका क्या हो रखा है, प्रोडक्ट हो, यहाँ पे सम ऑफ वेरिएबल्स से उनका प्रोडक्ट हो रखा है, तो उसको हम पीओ फॉर्म कहते हैं। और हमने ये देखा था कि एसओपी फॉर्म में यदि जीरो है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, यदि वन है तो उसको विदाउट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन पीओएस फॉर्म में क्या होगा, यदि जीरो दिया है तो उसको हम क्या करते हैं, ए विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और वन है उसको हम कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि के मैप की सहायता से हम कैसे दो वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि मान लो ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, एफ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, तो ये क्या है, एसओपी फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल का सम हुआ है ना, तो एसओपी फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे, एसओपी फॉर्म में है मतलब कि कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब उसको जीरो लेंगे, और जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट है उसको हम क्या करेंगे, वन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है दोनों, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जीरो जीरो प्लस जीरो वन प्लस ये होगा वन वन। ठीक है, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जीरो जीरो किसका वैल्यू है, जीरो का है, ये वन का है, और ये थ्री का वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखते थे कि जो एसओपी फॉर्म होगा उसमें हम मेन टर्म्स में लिखते थे उसको। ठीक है, तो ये किसका मेन टर्म्स हुआ, एम जीरो का हुआ, ये एम वन का हुआ, ये एम थ्री का हुआ, तो इसको समेशन हम, ये क्या हुआ, एम वन का, एम जीरो का है, ये एम वन का मेन टर्म है, ये एम थ्री का, तो इसको हम क्या कर सकते थे, समेशन लिख सकते थे, समेशन एम फिर जीरो वन थ्री। ठीक है, अब हम उसके लिए के मैप बनाएंगे। तो के मैप बनेगा मतलब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं मतलब कितने सेल्स बनेंगे, टू टू द पावर टू, फोर सेल्स। ठीक है, फोर सेल्स बना लेंगे, दो वेरिएबल है ए और बी, बस है, ए की पॉसिबिलिटी जीरो वन होगी, बी की पॉसिबिलिटी जीरो वन होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो था वो क्या है, जीरो वन थ्री में हमको पुट करना है वन। ठीक है, तो जीरो में वन पुट कर दिया, वन में वन पुट कर दिया, थ्री में वन पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारा एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, तो इसको नाम दे दिया जी वन, इसको नाम दे दिया जी टू। ठीक है, अब जी वन में हम देखते हैं, जी वन के लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो जी वन के लिए एक्सप्रेशन में जो कॉमन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे